These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. People who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. Scroll, like, share. ये है हमारी डिजिटल जिंदगी का रिदम. लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि आपके हर स्वाइप और टैप के पीछे एक ना आने वाली ताकत आपके रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर रही है. ये कोड के लाइंस, ये एल्गोरिथम डिसाइड करती हैं कि आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, अतः कि आप क्या सोचते हैं. एल्गोरिथम इको चैम्बर बना सकती हैं जो हमारे मौजूदा बिलीव्स को मज़ीद मजबूत करती हैं और मुख्तलिफ नज़रियात को एक्सक्लूड करती हैं. इससे पॉलिटिकल पोलराइजेशन और मिसइंफॉर्मेशन का फैलाव हो सकता है. फेक न्यूज़ का बढ़ता हुआ रुझान, एल्गोरिथम गलत मालूमात को एम्पलीफाई कर सकता है. एंड इट्स फील लाइक लिविंग इन अ केयरफुली कंस्ट्रक्टेड मैट्रिक्स. वक्त है कि आप अपने कंज्यूम किए गए कॉन्टेंट को सवाल करें. ज़रा सोचें, क्या आपको कहानी के दोनों पहलू दिखाए जा रहे हैं? ट्रिगर योरसेल्फ विद दीज क्वेश्चंस. क्या आप एल्गोरिथम के जरिए मैनिपुलेट नहीं हो रहे? The algorithms that feed to you what you want to see. We don't know exactly what that's going to do. It's a very dangerous thing because we're building an unconscious into the internet. And no one's going to understand how it works because it gets more and more complex. एल्गोरिथम एक कंट्रोलिंग टूल है, लेकिन इन्होंने एक और रेजिस्टेंस फॉर्म को भी एस्टैब्लिश्ड किया है. इटालियन फिलोसोफर एंथोनो ग्रामची ने कहा कि पावर को कल्चर और सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू प्रेवलेंट रखा गया है और ये ऑनलाइन कम्युनिटीज डोमिनेंट आइडियोलॉजीज के खिलाफ एक वॉर ऑफ पोजिशन लड़ रही है. इट्स अबाउट टेकिंग कंट्रोल. सवाल करें हर उस चीज को जो आप देखते हैं और सुनते हैं, क्योंकि शायद आप वो चीज़ देख रहे हैं जो आप नहीं देखना चाहते. सो इंगेज क्रिटिकली. और ये हमेशा याद रखें कि एल्गोरिथम एक टूल है. इट्स नॉट अ डिक्टेटर हु कैन टेक कंट्रोल ओवर यू. थिंक अबाउट इट.